टाइम लेट हो रहे हैं। जल्दी आओ यार, लेट हो रहे भाई। जय अभी हम आ चुके हैं नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, बहुत लेट हो रहे हैं। देखो भाई, जल्दी आओ यार भाई साहब। जय माता दी, जय माता दी, जय स्पीडियम, जय स्पीडियम। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भाई के साथ। हाल देंगे, हाल देंगे। मोहित नहीं दिख रहा भाई, मेरे मोहित भाई के समान चल रहे, राहुल ने खा लिए। राहुल पूरा फोकस है। ये क्या है? ये चलता हुआ हमारा लूडो, थोड़ा टाइट कर लो इसको यार, विद चौधरी साहब के साथ। चौधरी साहब अगर फोन कर गया तो क्या फीलिंग करोगे? अरे मीटर खेल लो ना। ओ भाई लूडो, जो जीतेगा सर, जो जीतेगा वो क्या कहलाएगा? सुबह की चाय उसकी है। क्या कहते हो? चाय उसी की है। किसकी? जो जीतेगा, जो जीतेगा चाय उसकी। अरे यार जीत भाई, भैया की मुझ है नहीं पर बढ़ दे रहे हैं फिर भी। भैया की मुझ कैसा फीलिंग आ रही है? वेरी वेल सर, कैसी फीलिंग में हो? मजे खच्चे। हाँ सर, मोहित सर भाई बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से जा रहे हैं जनरल डिब्बे में। भैया कैसी फीलिंग में हो आप? शेर मोहित भाई खोल दिया आखिरकार है ये रो मत यार, कुछ ये रो मत यार, कुछ सब्जी जैसे आलू की सब्जी। सभी भाइयों ने यहाँ पे आलू की सब्जी और पूरी और पराठे खाए हैं। ये है मूली के पराठे, आपने तो देखे नहीं होंगे। मूली के पराठे नहीं, ये है मूली के पराठे, आपने तो देखे नहीं होंगे कभी। देखो ऐसी बात है क्या भाई? तो फाइनली हम आ चुके हैं कटरा भाई के साथ। जय माता दी, इंकलाब जिंदाबाद, जय माता दी। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है भाई, भाई जा रहे हैं। भाई जब जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी है, लेकिन बाद में जाके पता चला कि ये सारी भीड़ लगी हुई, बाद में पता चला कि ये सारी भीड़ अपने रजिस्ट्रेशन के लिए लगी हुई है, सब लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वेलकम टू भाई। तो भाई हम आ चुके हैं भाई, ये कटरा आ गए हैं भाई। सारे बोलो, ये देखो भाई हम सब डालते हुए, ये माता का क्या है भाई? लोगो, माता का लोगो। भाई के साथ फोटो जा रहे हैं, जल्दी पहुंचेंगे, घुमाएंगे बाणगंगा। भाई ने लिए, भाई ने लिए 160 रुपए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, वो
सच्चे दरबार की जय। ये देखो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रखी है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। यहाँ पर देखो कितनी सारी भीड़ है। ड्यूरिंग हमने भी पर्ची ले ली है। यहाँ पर कंबल का स्टोर भी है, स्वच्छ सारण के अंदर भी है नॉर्थ चुनने के लिए। यहाँ पे आरो लगा हुआ है। भाई अब हम जा रहे हैं कटरा। रात के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ठंड है। हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। भैरव बाबा के मंदिर -4 डिग्री टेम्परेचर। यार बहुत ठंड है भाई। दिन में जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतनी ज्यादा ठंड होती है भाई। बहुत हालत खराब है हमारी। देखो सर्वाइव कर रहे हैं घोड़े भैया। घोड़े मुझे ही बहुत खराब हो रखे भाई। मोहित भाई को ठंड नहीं लग रही है ज्यादा, क्योंकि ये जिम वाले बंदे हैं, इनको प्रोटीन अच्छा भरपूर मिलता है। बहुत ठंड हो रही है यार भाई। मेरा सीढ़ियों से सीढ़ियों चढ़ाए जा रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं रही है, हम 4 घंटे का 5 घंटे भाई। बड़ी बुरी हालत खराब है मोहित भाई।
ये हमारे भाई को देखो कितना बड़े परेशान है। जय श्री राम। इनका बस एक ही नारा, जय श्री राम। जय माता दी। यार भैरव बाबा के पास जाने के लिए बहुत हालत खराब हो रही है यार, ये लोग कुछ खाने भी नहीं दे रहे भाई। मैंने बोला है क्या करें, एनर्जी नहीं है। मोहित भाई यार कुछ खाने पीने दो ना यार, ऐसे कैसे खाएंगे, अभी तुम्हें खिलाएंगे यार, मेहनत करो भाई। सुबह से सिर्फ और सिर्फ एक रोटी नहीं खाई है, एक समोसा, दो पराठे लिए थे जिसमें से चार लोग थे भाई, बहुत बुरी कंडीशन है। एक तो ये एक पैसे नहीं है, अगर पैसे होने के बावजूद भी नहीं खा पा रहे हैं। और इस इन सब चीजों का कारण है भाई, भाई कहता है कि नहीं आगे चल के खाएंगे। मैंने भूख तो बढ़ने दो, तभी तो मजा आएगा खाना खाने का। भाई कितनी भूख बढ़ने दे यार, बहुत हालत खराब हो गई है। सर जी देख रहे हो, ये देख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। टेम्परेचर बहुत खराब है भाई, बहुत बुरी ठंड हो रही है। 15 मिनट में यहाँ पे बराबर स्टार्ट हो जाएगी, हमें लगातार 3 घंटे बारिश भी चली है। भाई मौसम की जानकारी तो पहले देखी थी लेकिन उसमें बारिश नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते, बारिश मिली भाई को, बहुत बुरी कंडीशन रही है। मोहित भाई कैसे क्या फील कर रहे हो आज का ट्रैक? भाई सीढ़ियाँ है, बहुत खड़ी चढ़ाई है और आत्मा बाहर आ गई, जीव बाहर निकल गया है। अभी तक हम 468 प्लस 100 कितने प्लस 172 चढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा ट्रैक है अभी 107 का और है, 107 है, फिर 75 है, फिर 268 का है। भाई आप लोगों को साथ साथ इंस्ट्रक्शन है, जो भी बूढ़े लोग हैं या जिनको कोई बीमारी है, स्पेशली हार्ट के जो रोगी है, वो इन सीढ़ियों का उपयोग ना करें। उनसे अनुरोध है वो सीढ़ियों का बिल्कुल उपयोग ना करें भाई, बिल्कुल बोर्ड पे भाइयों सांस बहुत भर जाता है और उन्हें कभी भी बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है, अटैक कर सकती है। भाई बहुत बुरा हाल है, सीढ़ियों पे भी लिखा हुआ है, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो भाई ये लिखा हुआ है क्लियर क्लियर, सीधे सीधे वर्डों में लिखा हुआ है। ये देखो हमने ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है, हम सब अपनी अपनी लाठियों लेके चढ़ रहे हैं, ये देख रहे हो बिल्कुल सीधी सीधी खड़ाई है यार, बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्या करें, बहुत ठंड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर में, और देखो अभी दो भाई खो गए थे तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ढूंढने पे मिल गए, तो चलो देखते हैं क्या होता है। भाई ये भैरव बाबा के मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हो लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन नहीं है, सॉरी यार यहाँ पे लाइन तो नहीं है लेकिन मोड़ इतने हैं कि ये देखो भाई, रात को 11:30 बज रहे हैं, ये देख लो कोई भी नहीं है यहाँ पे, बहुत दूर दूर तक तो कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बहुत जो साथी थे वो भी चले गए। अभी हम हैं कटरा से थोड़ा सफर, सुबह के 3:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर -6 डिग्री तक चला गया है। अभी थोड़ा खाना का तो मैंने नीचे फील कर रही थोड़ा वैसे, लेकिन नहीं मैं कंटिन्यू 5 मिनट चलने पर थोड़ा पसीने भी आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठंड बहुत है। तो भाई जो भी है तैयारी के साथ आना यहाँ पे, मेरा तैयारी ना प्लीज रिक्वेस्ट आज जोड़ के, रात को टेम्परेचर डाउन जाता है यार। देखो 3:30 बजे भी लोग चल रहे हैं सुबह सुबह, यहाँ पे बच्चों को लेकर घूम रहे हैं, यहाँ पे घोड़े भी हैं, पालकी भी है, देखो घोड़े आ रहे हैं पीछे, यहाँ घोड़े से भी लोगों को लाया जा रहा है, बच्चों को लेकर जाया जा रहा है,
सारे लोग माता के दर्शन करके करने भी जा रहे हैं। ये देखिए ये आ रहे हैं घोड़े पे लेके, घोड़े इन भाइयों के हैं। देखिए